हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वेल्ला इंजीनियर। सो दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो बनाने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट इस तरह से है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। रिसेशन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि ये रिसेशन का जो इफेक्ट है, जो भी इम्पैक्ट है, वो इंडस्ट्री पे कैसे पड़ रहा है। आईटी इंडस्ट्री पे तो पड़ ही रहा है, और ये जो बूट कैंप जो अभी चल रहा है, ये बूट कैंप जो इंडस्ट्री है, मसाई स्कूल, एक्यू जॉब, अभी तो आपके सामने एक्यू जॉब का स्क्रीन इंटरफेस खुला हुआ है, लेकिन और सब भी जो बूट कैंप है, फंक्शन अप, शार्पनर, चाहे अल्मा बेटर या फिर स्केलर एकेडमी की भी बात कर लीजिए, तो ये सब जो चल रहा है इसमें क्या इफेक्ट होने वाला है, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो ट्यून रहे, एंड ऐसे प्रोडक्टिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, अभी मैं जो हूँ वो मॉडल 3 क्रॉस कर चुका हूँ, और अब मैं प्लेसमेंट रेडीनेस मॉडल में जाने वाला हूँ। मैं इस सब पे भी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे कैसे आप एक्यू जॉब कैरिकुलम काम आएगा, एंड उसके बाद से क्या क्या स्टेप लेने हैं आपको। मैं अभी इस पे वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि मॉडल 2 कैसे मैंने कम्प्लीट किया, उसमें क्या क्या हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडल 3 में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के लिए वीडियो बना रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करते हैं। एंड दोस्तों, रिसेशन के बारे में मैं आपको ये एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि ये एक अप्स एंड डाउन्स होते हैं कंट्री, एक किसी भी इंडस्ट्री में साइकिल्स की तरह होते हैं, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इंडस्ट्री का होता है, इन्वेस्टमेंट कम होने लगते हैं किसी भी सेक्टर में, एंड मीन्स कंपनी जो चाहती है, जो इंडस्ट्री चाहती है, वो चाहती है कि मैं कम खर्चे को कम कर दूं अपने किसी प्रोजेक्ट, उस जब उनको प्रोजेक्ट भी नहीं मिलने लगता उनको, तो वो लोग चाहते हैं कि एम्प्लॉय को ले ऑफ करके वो अपना जो बजट है वो कम करें, पैसे को थोड़े बचाएं, सेव करें, और इसका इफेक्ट ज़्यादातर उनके साइड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर होता है, क्योंकि उनका जो कोर जो है, क्योंकि हर कंपनी के कुछ एक कोर सेक्टर, एक कोर बिजनेस होता है जिसको वो कभी इफेक्ट होने नहीं देना चाहते हैं, तो उसके बाद से वो साइड वाले जो उनके बिजनेस होते हैं, जो साइड वाले उनके वर्क होते हैं, उसको कभी कभी वो लोग बंद कर देते हैं, जिसके कारण ले ऑफ करना पड़ता है उनको। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ले ऑफ हो रहे हैं आज इंडस्ट्रीज में, और साथ ही ले ऑफ तो हो ही रहे हैं, उसके साथ ही जो टेक हायरिंग होती है, जो हायर करते थे बल्क में, वो नहीं हो पा रहा है, कम हायरिंग हो रही है, टेक हायरिंग बहुत ज़्यादा घट गई है। एंड दोस्तों, ये जो रिसेशन है ये कोई नई बात नहीं है, हर 7 से 8 साल, 5 साल में भी कभी कभी, 10 साल में भी कभी कभी आते रहता है, ये एक साइकिल की तरह होता है, जो कि हम लोग देखा ही है। 2017 में डीमोनेटाइजेशन के वक्त भी ये सब हुआ था, एंड 2008, 2002, तो ये सब पहले भी हो चुका है। इसमें रिसेशन का यही होता है, डाउनफॉल होता है, फिर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल ट्रैक पे आने लगती है एक इंडस्ट्री। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा उतना कुछ डरने की कोई बात है नहीं। ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है इसका, रिसेशन का, लेकिन उसके बाद से फिर अब मैं बूट कैंप के बारे में बताता हूँ यहाँ पे अभी क्या चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे अपने दोस्त मित्र से बात की है, तो वो लोग मसाई स्कूल में हैं, कुछ लोग फंक्शन अप में हैं, तो उन्होंने यही बोला है कि कंपनी आ तो रही है लेकिन वो लोग कम कम हायरिंग कर रही है। जो कंपनी 20 से 30 हायरिंग करती थी, वो अब मात्र 5 से 10 लोग को उठा के लेके जा रही है, तो हायरिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एंड वन मोर थिंग इज़, जैसे कि ये तो एक्यू जॉब में 4 मंथ के बाद ही ये लोग देने लगते हैं आपको प्लेसमेंट, लेकिन दिक्कत तब आ रही है जब 8 मंथ के बाद जो मसाई स्कूल देता है, तो वो लोग अभी हायर नहीं, मतलब अपने बच्चों को, स्टूडेंट को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। एक मेरे दोस्त हैं तो वो अभी 12 मंथ से ज़्यादा हो गया उनका टेन्योर एक मसाई स्कूल में बिताए हुए, लेकिन फिर भी वो प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, धीरे धीरे करके प्लेस हो रहे हैं, मतलब रेट जो है बहुत घट गया है। तो इस तरह का भी रियल सिनेरियो है इस बूट कैंप का, कुछ ओवर मैं मसाला तड़का नहीं लगा के बोल रहा हूँ, जो ये रियल बात है वो है कि अभी बहुत ही मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है बच्चों लोग को, वो लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि एक जॉब में क्या अभी कुछ एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सब वो हो गए, एग्रेसिव हो गए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा।